अभी मैं मुंबई में हूँ और यहाँ से स्टार्ट करके मैं पूरा इंडिया फ्री में ट्रेवल करने वाला हूँ। ट्रेवलिंग के दौरान मुझे खाना पीना नहाना और ट्रेवल करना सब फ्री में जुगाड़ करना होगा। मुंबई में फ्री में नहाने के लिए मैं 5-स्टार होटल के स्विमिंग पूल में पहुँच गया, लेकिन यहाँ पर मुझे सिक्योरिटी से बचना होगा। और जैसे ही मैं नहाने गया, सिक्योरिटी वाला मेरे पास आ गया। 1-4-3 और ये मिशन फेल हो गया। लेकिन मेरी किस्मत ने मेरा साथ दिया और मैं पहुंच गया 5-स्टार होटल के स्पा में और वहां पर मुझे फ्री में नहाने को मिला। नहाने के बाद फ्री फूड मिला और साथ में फ्री वाटर भी मिला। अब मुझे फ्री में ट्रेवल करके दूसरे स्टेट में पहुंचना है, इसलिए मैं ट्रेन में बिना टिकट के चढ़ गया। लेकिन कुछ घंटों बाद टीटी आ गया, ट्रेन में टीटी आ गया, लेकिन मैं टीटी से बचकर दूसरे स्टेट में पहुंच गया। आज डे 2 है और मैं न्यू दिल्ली में हूँ। दिल्ली में फ्री में ट्रेवल करने के लिए मैं एसी बस के अंदर स्नीक कर गया, लेकिन बस के अंदर कंडक्टर टिकट चेक कर रहा था। लेकिन लकीली उसने मुझसे टिकट नहीं मांगा। बस से उतरते ही मुझे फ्री ब्रेकफास्ट मिल गया। सुबह 9 बजे फ्री में नहाने के लिए मैं गुरुद्वारा पहुंच गया। वहां पर मुझे फ्री लंच भी मिला, लंच के बाद फ्री वाटर भी मिला। फ्री स्टे करने के लिए मैं रेलवे स्टेशन के एसी लॉन्ज में स्नीक कर गया। रात को ट्रेन में स्नीक करके अगले दिन दूसरे स्टेट में पहुंच गया। अभी मैं जम्मू में फ्री ट्रेवल तो नहीं मिला, मुझे फ्री फूड फ्री वाटर और फ्री बाथ का जुगाड़ करना होगा। फ्री का खाना खाने के लिए मैं पहाड़ के ऊपर चढ़ कर गया। पहाड़ से बहती हुई नदी में फ्री का नहाना भी हो गया और पहाड़ पर फ्री वाटर भी मिल गया। लेकिन हर तरफ टीटी टिकट चेक कर रहे हैं। टीटी से बचकर मैं फर्स्ट क्लास में स्नीक कर गया, लेकिन अंदर खाली सीट ढूंढना बहुत मुश्किल था। बाहर टीटी सबका टिकट चेक कर रहा है। थोड़ी देर बाद वो ट्रेन के अंदर भी आ गया। उससे बचने के लिए मैं जनरल डब्बे में स्नीक कर गया और यहाँ पर कोई टीटी नहीं आया। आज का दिन बहुत मुश्किल होने वाला है। पानी मिला लेकिन बहुत गंदा। सीटिंग कोच कोई मानता था। अगले दिन टीटी आया, लेकिन मैं उस वक्त सो रहा था। पिछले 50 घंटे से मैंने ट्रेन में कुछ भी नहीं खाया था और अगले दिन आज मैं कोलकाता में हूँ और यहाँ पर मुझे फ्री फूड फ्री वाटर फ्री ट्रेवल और फ्री बाथ का जुगाड़ करना होगा। पिछले 50 घंटे से मैं भूखा था, इसलिए मैंने काफी से फ्री फूड मांगा। एक मिल सकता है? लकीली काकी मान गई। फ्री ब्रेकफास्ट तो मिल गया, लेकिन पिछले 2 दिनों से मैंने नहाया नहीं है, इसलिए नहाने के लिए मैं एग्जीक्यूटिव लॉन्ज में स्नीक कर गया। लेकिन बाहर सिक्योरिटी वाले आ गए, लेकिन मैं बच गया। आइसक्रीम वाले से मैंने फ्री आइसक्रीम मांगा। एक दे सकते हो? कैश नहीं है। लेकिन वो नहीं माना। लेकिन ये बस वाला मुझे फ्री राइड देने के लिए मान गया। सर जब ड्रॉप कर दे बस जहाँ पर बना होगा वहाँ पे। तुम्हारे ड्रॉप कर दो। थैंक यू सो मच। कोलकाता का फ्री बस राइड भी मिल गया। मुझे बहुत प्यास लगी थी। ऐसे दे सकते हो क्या? ऑनलाइन चल नहीं रहा और बहुत खाया नहीं, 2 दिन से ट्रैवल कर रहा था, मुंबई से आ रहा हूँ भाई, मेरा यहाँ चल नहीं रहा UPI।
थैंक यू भैया, ये बहुत ही टेस्टी थी। केएफसी ने मुझे फ्री फूड तो नहीं दिया। कैन आई गेट समथिंग टू ईट राइट नाउ बिकॉज़ आई एम सो मच हंग्री। तो प्रोवाइड हम नहीं कर सकते। पानी तो मिल सकता है, लेकिन फ्री वाटर दे दिया। और यहाँ मेरी जर्नी का टर्निंग पॉइंट आया। हेल्प कर सकते हो? मैं कुछ काम में हेल्प कर दूँ, बदले में पास खाना ले दोगे? नहीं, मैं हेल्प कर देता हूँ ना बदले में। थैंक यू भैया। पूरे 50 घंटों के बाद मुझे फ्री फूड मिला। 50 घंटे से देखा कितना पेट भरेगा मेरा। इसके बाद अगले स्टेट में जाने में मेरी हालत खराब हो गई। ट्रेन में इतनी भीड़ थी कि मैं पूरी रात नहीं सो पाया और अगली सुबह टीटी टिकट चेक करने आ गया। टीटी ने गेट पर खड़े लोगों से 5,000 रुपए का फाइन लिया। नीनू आंध्र प्रदेश लो उन्नानू तेलुगु। यहाँ पर मैंने फिर से एसी लॉन्ज में स्नीक किया। यहाँ मुझे फ्री वाटर भी मिला, फ्री बाथ भी मिला। इस स्टेट में मुझे भाषा समझने में बहुत तकलीफ हुई। आज लास्ट गंडी और पूरे 7 दिन के बाद मैं वापस मुंबई पहुंच गया। इस जर्नी में इतने सारे लोगों ने मुझे फ्री फूड दिया, इसलिए हमने मील्स डोनेट किए।